नमस्कार। आदर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय भाग सात में आज का प्रकरण रहेगा अवयव ज्ञानम। आज हम अवयव के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि संस्कृत में शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला है विकारी शब्द, परिवर्तनशील शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जो परिवर्तनशील है जिसमें कर्ता, क्रिया, लिंग, वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहे, विभक्ति के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार जो बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है। जैसे बालक, बालक, इसका बहुवचन बाल कहा, तृतीय विभक्ति बाल के, एक वचन द्विवचन बहुवचन विभक्ति में भी बदलता है। सह, शुक्ल, गच्छति। दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अपरिवर्तनशील शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें लिंग, विभक्ति, वचन, संज्ञा, सर्वनाम किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो वाक्य में अपने उसी स्थिति में आते हैं जैसे वो है, कि उनमें ना तो कोई विकार होता है ना ही उसके टुकड़े होते हैं, जिसे हम अवयव कहते हैं, या अविकारी जो अपरिवर्तनशील शब्द है जिन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में अवयव और उपसर्ग आते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, जैसे अत्र, अधुना, अपि, इदानीं, संप्रति आदि। अवयव अविकारी शब्दों में, अपरिवर्तनशील शब्दों में अवयव आते हैं। अवयव के भी दो रूप होते हैं। पहला रूढ़ अवयव, जिसके खंड भाग नहीं होते, टुकड़े नहीं होते हैं, के अवयव भी दो प्रकार के होते हैं। रूढ़ अवयव होते हैं जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे लिखे जाते हैं, उनके भी कोई भाग, टुकड़ा या उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न आदि। यौगिक अवयव जिसके खंड हो सकते हैं, जिसके दो भाग हो सकते हैं, या प्रत्यय और समास के रूप में होते हैं। ठीक है, यौगिक अवयव ऐसे होते हैं जो मूल अवयव के साथ, किसी मूल अवयव के साथ प्रत्यय और समास का रूप हो सकता है, या प्रत्यय या समास का भेद हो सकता है, जिसमें पीछे प्रत्यय लग सकता है या समासिक पद बन सकता है। इसमें जो प्रत्यय समास के रूप हो सकते हैं, यानी कि जिसके पीछे प्रत्यय भी लग सकता है, मूल अवयव के साथ प्रत्यय लग सकता है, या उसका सामासिक रूप हो सकता है, जैसे गत्वा, कम धातु के साथ जुड़ा गत्वा प्रत्यय गत्वा। अब गत्वा ये यौगिक अवयव हो गया, ये गत्वा अवयव है, इसके फिर कोई रूप नहीं चलते हैं। धातु के साथ प्रत्यय या सामासिक पद, मूल शब्द के साथ उसका समास होकर के जो सामासिक पद होता है वो अपने आप में अवयव रूप बन जाता है, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं या फिर उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, जैसे गत्वा गंतुम, कम धातु के साथ तुम पढ़ते जुड़ा गंतुम। अब गंतुम है इसी रूप में रहेगा, इसका लिंग विभक्ति वचन या इसका किसी प्रकार बदलाव नहीं होगा, ये वाक्य में इसी तरह से प्रयोग होगा। उसी तरह से सर्वथा, सर्व से बना सर्वथा, प्रतिदिनम, प्रति और दिनम, प्रति उपसर्ग के साथ संज्ञा से जोड़ करके प्रतिदिनम। अभी अवयव रूप हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। अब आगे हम अवयव की परिभाषा पढ़ेंगे। अवयव की परिभाषा है संस्कृत में, लिखते हैं तो संस्कृत में उसकी परिभाषा है न वैति अवयव, न वैति अवयव, अर्थात जिसका कोई विकार नहीं होता है उसे अवयव कहते हैं। जिसका कोई विकार वह नहीं होता है, जिसमें कोई किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता है, उसे अवयव कहते हैं। अब अवयव के जो बड़ी परिभाषा है संस्कृत में, उसको सर्वों की दृष्टि से देखते हैं,
सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यशुना वयति तत् अव्ययम्। उनके जिन शब्दों में सदृश त्रिषु लिंगेषु के जिन शब्दों में तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वचनेषु सर्वेषु तीनों वचनों में इतना व्यक्ति से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्ययम कहते हैं। ये तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में सातों विभक्तियों में और सभी वचनों में तीनों वचनों में कोई विकार नहीं होता है, किसी प्रकार से बदलाव नहीं होता है उसे अव्ययम कहते हैं। अब हम देखते हैं दोनों अव्ययम के संबंध में आगे की जानकारी में अव्ययम के चार भेद होते हैं। तो चार भेद कौन कौन से हैं? पहला है उपसर्ग। उपसर्ग भी अव्ययों का एक भाग है। उपसर्ग है 22 निश्चित कर दिए गए 22 उपसर्ग है कि भी अव्ययों का भाग है कि उपसर्ग सीधे संज्ञा शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उपसर्ग पहला भेद है उपसर्ग। प्र अनुभव शब्द आदि जो ये 22 उपसर्ग है वो अव्ययों के भेद में आते हैं। फिर है अव्ययों में क्रिया विशेषण अव्ययों, इसमें क्रियाओं के विशेषण के रूप में जिनका प्रयोग होता है वो क्रिया विशेषण अव्ययों कहलाते हैं, जैसे अत्र तत्र यत्र स्वः या आदि। समुच्चयबोधक जो समूह का बोध कराते हैं, एक समूह के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है वो समुच्चयबोधक अव्ययों है। जैसे तथा यथा च, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो समूह को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों के बीच जिनका प्रयोग होता है, यथा तथा च, परं च, तावत् यावत् तदा यदा आदि। विस्मयादिबोधक जिसमें विषय आश्रय प्रकट हो, दुख खेद खुशी हर्ष वगैरह, तो हर दृष्टि से जिसमें विस्मय किसी न किसी प्रकार का आश्रय या विस्मय का भाव प्रकट हो उसे विस्मयबोधक अव्ययों कहते हैं। जैसे अरे, ओ, आ, अंत, हा, दिक् आदि। अब हम ने कुछ सामान्य जानकारी पढ़ी कि शब्द है, शब्दों के दो प्रकार विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों में सभी संज्ञा सर्वनाम आते हैं जिनका जो लिंग विभक्ति वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। अविकारी शब्दों में जिसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है, जिसमें अवयव आते हैं। अवयव के भी दो रूप है, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ में किसी तरह से कोई परिवर्तन टुकड़े नहीं होते हैं। यौगिक अवयव है जो किसी मूल धातु के मूल धातु और प्रत्यय के साथ जुड़ करके या उसका सामासिक पद बन करके वो यौगिक अवयव बनते हैं। उनको हम मूल धातु और प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, जिनके खंड कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। अवयव की परिभाषा हमने पढ़ी, जिसका कोई विकार नहीं होता है वो अवयव कहलाता है। अवयव के चार भेद उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक और विस्मयबोधक। अब इसमें कुछ उदाहरण देखते हैं हमारे सामने, सीधे सीधे अवयवों का प्रयोग उनके अर्थ के आधार पे वाक्यों में रिक्त स्थान लेकर के पूछा जाता है। तो कुछ तो अर्थ के आधार पे और कुछ क्रियाओं के साथ निश्चित रूप से, कुछ विभक्तियों के साथ प्रयुक्त होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। कुछ अवयव है जिनको हम अर्थ से ही देखते हैं, जैसे सत्वरम सिंहता से सम्यक बड़े प्रकार से सायर तावन मात्र मुद्रा प्रतिदिन दिने दिने कि हर एक दिन दक्षिणता दायणा दिने दिन में तीन प्रकार वैसे तरह ही तब समुखम सामने सर्वत्र सभी और समंता चारत्र समीचीनम बिल्कुल अचानक सहसा अचानक समम सा सततम लगातार साधु साधु सवास अच्छा सब कालम एक साथ साकम सार्थम एक साथ समय निकट। ये कुछ अवयव है जिनको जिन अवयव को अर्थ सही करते हैं, बड़ा अर्थ सही देखा। इस प्रकार के बहुत सारे अवयव हैं जिनका प्रयोग हम रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए भी करते हैं, वाक्य प्रयोग में भी करते हैं। जैसे कुछ वाक्य है बहुधा, बहुधा यानी बहुत बार, जिसका वाक्य प्रयोग गोपाल बहुधा अत्र आगच्छति, गोपाल बहुत बार यहाँ आता है। सर्वतः सभी तरह से, इदम कार्यम सर्वथा करण्यम,
यह कार्य सभी तरीकों से सभी तरह से करने योग्य है। तो उसने मैंने चुप या मौन तस्य कथनम श्रुत्वा स तूष्णीम अभवत्, उसके कथन को सुनकर वह चुप हो गया। कदापि कभी 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 भी कदापि असत्यम न बदनीयम, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं तो कुछ अभियोग जिनका दूसरे तरीके से अभियोग पूछा जाता है कि हमें ऊपर मंजूषा दे दी जाएगी, मंजूषा में अभियोग होंगे और नीचे चार पांच वाक्य है वो लिखे हुए होंगे और मेरे किस स्थान होंगे और किस स्थानों में अभियोग का प्रयोग करना है। जैसे पहला है अस्तो और उसमें किस स्थान और सदगमया, अस्तो माँ सदगमया ये आपको ऊपर दिया हुआ मंजूषा को देख के बढ़ना है, अभियोग का प्रयोग रिक्त स्थान और वाक्य प्रयोग दोनों में आता है। अस्तो माँ सदगमया कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें असत्य मार्ग को छोड़ करके और सत्य मार्ग दिखाओ, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। रण क्षेत्रम गच्छन स राज्ञ पश्यति, रण क्षेत्र में जाते हुए उसने रानी को देखा। यह क्या आ जाएगा, रण क्षेत्रम प्रति गच्छन, रण क्षेत्र की ओर जाते हुए, रण क्षेत्र की ओर इसमें प्रति आ जाएगा, रण क्षेत्र प्रति गच्छन, रण क्षेत्र की ओर जाते हुए उसने रानी को देखा था। तेन दिवाराते भवत, अब इसमें तेन दिवारात्रि भवत उसमें क्या हो जाएगा, तेन उसी प्रकार से ही, तेन उससे ही, तेन उसे उससे ही, तो एवं आ जाएगा यहाँ ही के लिए, उससे ही युवा रात्रि होता है, दिन रात होता है, उससे किसे सूर्य से ही, सूर्य से ही दिन रात होता है, तो तेन एव उससे ही दिन रात होते हैं। ग तो हम देखेंगे भगवान राजस्थान आगच्छतु के आप राजस्थान आइए, अथवा इसलिए कि हमने आपको राजस्थान के बारे में बताया इसलिए आपको राजस्थान आना चाहिए, राजस्थान की ओर आना चाहिए। आपद गतम न जाति ददाति कार्य, आपद गतम अब इसमें आपद गतम आपदा में गए हुए संकट में पड़े हुए, आपद गतम का मतलब आपदा में आपदा से गिरे हुए संकट से गिरे हुए, और संकट से गिरे हुए को क्या करना चाहिए, संकट से गिरे हुए च न दहाती च न चहाती दहाति काले, संकट से गिरे हुए और ऐसे समय में और दहाति काले ऐसे समय में, काले ऐसे समय में न चाहती नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई भी अपना मित्र है सुख का साथी है तो आपदा में गए हुए उस समय के काल में और उस समय में न जाति उसको नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसमें आ जाएगा च। तो इस प्रकार से और भी अभियोग है जो आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे, इस तरह से वाक्य बना करके और इनके स्थान की पूर्ति का अभ्यास करके और हम इनका अभ्यास बार बार करेंगे सीखेंगे। आज के वीडियो में और भी अभियोग है वो